गाजीपुर की सदर कोतवाली पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, शातिर लुटेरों के कब्जे से लूट की 4 बाइक, 2 मोबाइल, 315 बोरके, 4 तमंचे और 4 कारतूस भी बरामद। शाजापुर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी और प्रेमिका को लड़की के भाइयों ने मारी गोली। गोली लगने से प्रेमिका की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। प्रेमी की हालत नाजुक है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। 2 आरोपी पुलिस हिरासत में। मनीष गुप्ता हत्याकांड की सीबीआई की विशेष कोर्ट में 26 फरवरी से शुरू होगी सुनवाई। सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। पुलिस की पिटाई से मौत के हैं आरोप। लखनऊ में तैनात महिला सिपाही रुचि सिंह की हत्या के आरोप में प्रतापगढ़ में तैनात तहसीलदार को किया गया गिरफ्तार। आरोपी तहसीलदार और महिला सिपाही के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। लखनऊ पुलिस ने आरोपी तहसीलदार और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। जौनपुर में जमीन विवाद में 2 की हत्या कर दी गई। युवक ने चाची और रिश्तेदार को गोलियों से छलनी किया। पुलिस ने आरोपी को असलहे के साथ गिरफ्तार किया। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के मल्लूपुर गांव में खौफनाक वारदात हुई। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट। सरेआम चले लात घूसे। मारपीट होने पर परिसर में मची अफरा तफरी। स्कॉलरशिप को लेकर अलग अलग संस्थाओं के छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। नोएडा के सेक्टर 126 में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आपस में चले लाठी डंडे। दोनों गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान पति की दबंग गई आई सामने। दबंग प्रधान पति ने की गांव के युवक के जूते चप्पलों से पिटाई। पीड़ित युवक के गले में फंदा डालकर गांव की गलियों में घसीटा। वाराणसी में फ्री नाश्ते के लिए सिपाही की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। नशे की हालत में सिपाही ने दुकानदार को पीटा। उच्चाधिकारियों ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। सिपाही लाइन हासिल किया गया। हरिद्वार के जगजीतपुर में सीएम धामी ने किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। 2024 में मेडिकल कॉलेज तैयार होने की कही बात। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा मेडिकल कॉलेज। चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने लोहाघाट थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी ईमानदारी के साथ और जनता के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में बरते जा रहे एहतियात। परीक्षा से पहले स्कूलों को करवाया गया सैनिटाइज। तपोवन सुरंग से शव मिलने से हड़कंप। एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के तपोवन सुरंग से मिला है शव। 7 फरवरी 2021 की प्राकृतिक आपदा में लापता हुए व्यक्ति का शव बताया जा रहा है। मथुरा अदालत ने जेल गैंग वॉर के सभी 14 आरोपियों को किया बरी। 7 साल के बाद आया फैसला। मथुरा जेल में 17 जनवरी 2015 को हुई थी गैंग वॉर। गाजीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी लौटन राम निषाद ने किया प्रचार। इस दौरान महिलाओं के सम्मान में लिए बेटी हूं लड़ सकती हूं के तहत दर्जनों महिलाएं कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में दिखाई दी। अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा में संजय निषाद ने की जनसभा। सपा सरकार पर किया तीखा हमला। बोले, सपा सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडा राज था। माफिया करते थे जमीनों पर कब्जा। 24 फरवरी को अमेठी दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जनता को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल पर भाजपा नेताओं ने किया भूमि पूजन। कई नेता रहे मौजूद।